नमस्कार। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे अनुवाद पुनरीक्षण पर। अनुवाद पुनरीक्षण, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अनुवाद प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, और पिछले सत्र में हमने अनुवाद पुनरीक्षण के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की, अब उससे आगे के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो अलग आयाम हैं उसकी चर्चा हम इस सत्र में करेंगे। हमने पिछले सत्र में जाना कि पुनरीक्षणकर्ता कौन होते हैं, पुनरीक्षण के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं, हमने ये भी जाना कि पुनरीक्षण को लेकर विविध संकल्पनाएं क्या क्या हैं, और अब इस सत्र में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि पुनरीक्षण के दौरान किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यकता है। आज इस चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं पुनरीक्षण और मूल्यांकन में अंतर, अनुवाद पुनरीक्षण और अनुवाद मूल्यांकन, और दूसरा है पुनरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरण। तो जो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसी पर आज इस सत्र में हमारी चर्चा विस्तार लेगी। जैसा मैंने पिछले सत्र में भी कहा कि पुनरीक्षण को लेकर अक्सर ये बहस रहती है कि पुनरीक्षण का काम कौन करते हैं, पुनरीक्षण का काम का दायरा क्या है, और किस तरीके से पुनरीक्षक अपना काम करते हैं। तो इस जो पुनरीक्षक और मूल्यांकक, या कहा जाए कि अनुवादक, की जो विभिन्न जो लोगों की जो भूमिका है अनुवाद के पाठ में, उस दृष्टि से हम इस सत्र में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पुनरीक्षण और मूल्यांकन में क्या अंतर है, पुनरीक्षक का दायरा क्या है, उन्हें क्या क्या काम करने होते हैं, और अनुवादक या कहा मूल्यांकन करता है वो किस तरह उससे भिन्न है। प्रस्तुत मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि पुनरीक्षण और मूल्यांकन में क्या अंतर है, पुनरीक्षण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, नोएडा के जो अनुवाद प्रक्रिया के जो तीन चरण हैं उनकी हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी, और अनुवाद प्रक्रिया वाले सत्र में भी इस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं। हम ये देखेंगे कि जब पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो भी किसी न किसी तरीके से नोएडा का जो प्रारूप है अनुवाद प्रक्रिया का, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उन्हीं तीन चरणों पर मोर और लेस कहा जाए कि उसी तरीके से पुनरीक्षणकर्ता को अपने पाठ को देखना होता है और उसका पुनरीक्षण करना होता है। तो हम विस्तार से चर्चा यहाँ करेंगे। अनुवाद पुनरीक्षण, पुनरीक्षण क्या है, पिछले सत्र में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है, और ये इस पर हमने बात करने की कोशिश भी की है कि किस तरह से पुनरीक्षणकर्ता को काम करना होता है और पुनरीक्षणकर्ता की भूमिका क्या क्या है। हमने देखा कि पुनरीक्षण का मतलब होता है पुनः ईक्षण, यानी फिर से देखना, यानी उसे संशोधन की दृष्टि से देखना, इस तरीके से देखना कि उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसे न केवल वे उसे रेखांकित कर सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके, बल्कि उसमें परिवर्तन भी कर सके, और परिवर्तन के आधार क्या क्या होंगे वो हमने भाषाई और संशोधन की दृष्टि से, संकल्पनात्मक संशोधन की दृष्टि से उस पर बात भी की। अनुदित संस्करण की भाषा उसकी परिनिष्ठता के साथ साथ संप्रेषणीय बनाने का कार्य पुनरीक्षण के दौरान ही संभव हो सकता है। अनुवाद की गई सामग्री को विषय वस्तु, भाषा आदि की दृष्टि से दोबारा जांचना ही पुनरीक्षण है। अनुवाद करते हुए गलतियों का होना स्वाभाविक है, इसीलिए पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को पहले स्वयं अनुवादक और बाद में वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से सामान्यतः भिन्न अनुवादक द्वारा किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि पुनरीक्षण की जो कार्य है वो पहले अनुवादक करते हैं, फिर एक भिन्न दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है, उसे किया जाता है। अगर आपको याद हो, हम अनुवाद प्रक्रिया में जब हमने इसकी चर्चा की थी तब हमने इसका जिक्र किया था कि किस तरीके से जब बाथगेट अनुवाद प्रक्रिया की जब चर्चा करते हैं तो किस तरीके से वे अनुवादक से भी अपेक्षा करते हैं कि वे अभिव्यक्तिकरण के बाद पर्यालोचन और एक पुनरीक्षण को भी उस क्रम में रखते हैं। तो वहाँ जो पुनरीक्षण का जो काम है, या कहा जाए कि अगर उसको हम ये देखें कि जिस तरह जो अनुवाद की प्रक्रिया में जो अन्य चरणों में हमने एक चरण जो किया कि जो तुलनात्मक विश्लेषण है पाठ का, जो तुलना है दोनों पाठों की, अनुदित पाठ की और मूल पाठ की, उस दृष्टि से अनुवादक या अनुवादिका जब किसी पाठ को अपनी तरफ से जब अंतिम प्रारूप देते हैं तब वे न केवल जो तीन चरण है, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, न केवल विश्लेषण के बाद उसका भाषाई, अंतरण के बाद उसका जब पुनर्गठन करते हैं, तो पुनर्गठन करने के बाद जैसे मैंने कहा कि जब वो अपनी तरफ से उसे अंतिम प्रारूप देते हैं तो उस पाठ को वे भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पुनर्गठन करने के बाद उनकी जो एक तरह से पाठ को लेकर जो एक नैतिक जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। वे उस पाठ को आद्योपांत पढ़ते हैं, पढ़कर अपनी तरफ से दोनों पाठों में तुलना करते हुए ये देखते हैं
कि कहीं किसी तरह की कोई चूक तो नहीं रह गई, चाहे वो क्रमबद्धता की हो, चाहे वो भाषाई दृष्टि से हो, चाहे संकल्पनात्मक दृष्टि से हो, चाहे कथ्य के आधार पर हो, चाहे शिल्पगत आधार पर हो, चाहे कहा जाए कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसी आधार पर हो, या कहा जाए कि वर्तनी के आधार पर, वाक्य विन्यास के आधार पर, जितने भी किसी पाठ को देखने के जो विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, उन सभी दृष्टिकोणों से को देखते हुए जब अनुवादक या अनुवादिका अपने तरफ से किसी पाठ को अंतिम प्रारूप देते हैं, तो उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसी का जिक्र यहाँ अनुवाद पुनरीक्षण के तहत किया जा रहा है कि जब पाठ का जो पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, पहला जो उसका स्तर है एक तरह से, वो स्वयं अनुवादिका या अनुवादक देखते हैं। लेकिन जब हम वेटिंग कह रहे हैं एज अ टेक्निकल टर्म, जब हम वेटिंग को या पुनरीक्षण को एक पारिभाषिक शब्द के रूप में जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमारी अपेक्षा या कहा जाए इस शब्द की जो परिभाषा है या इस शब्द से जो अपेक्षा है या का जो तात्पर्य है, वह ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी व्यक्ति जो उस पाठ को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, तटस्थ दृष्टि से देखें, और वो तभी संभव है जब वे स्वयं अनुवादिका या अनुवादक ना हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पुनरीक्षक का जो कार्य है वो कई तीसरा व्यक्ति, या तो कहा जाए कि जैसे लेखक, अनुवादक, उसके बाद तीसरा व्यक्ति ही उस पाठ को देखे तो उसमें ज़्यादा बेहतर वो अपना योगदान दे सकते हैं, उसे बेहतर प्रारूप दे सकते हैं, और एक तरह से उसे अंतिम अपनी तरफ से कहा जाए कि हर स्तर पर उसकी त्रुटियों का निवारण करते हुए उसे एक अंतिम रूप दे सकते हैं। तो पुनरीक्षक अनुवादक की तुलना में अधिक अनुभवी एवं वरिष्ठ होते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की गहन जानकारी होने के साथ साथ गंभीर विवेक, आत्मविश्वास और तटस्थता का भाव भी उनसे अपेक्षित है। अपने इन गुणों क्षमताओं के आधार पर पुनरीक्षक अनुदित सामग्री को जांच कर, सुधार कर और सजा संवार कर अधिक सुघड़ बनाते हैं। अब हमने ये जो अनुभव किया वो ये कि पुनरीक्षक से जो अपेक्षा की जाती है, उन्हें न केवल दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, बल्कि उन भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उन्हें उस विषय का भी ज्ञान हो। जैसे बहुत ही एक मुहावरा है, चर्चित मुहावरा है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो हम एक पुनरीक्षक से अपेक्षा करते हैं कि वो उस विषय से जुड़ा हो, वह कम से कम जो जो मूलभूत जो ज्ञान है उसकी जानकारी उनको हो, और उसमें एक गंभीर विवेक हो, एक ठहराव हो, ये कहा जाए कि तटस्थ दृष्टि हो, जो बहुत ज़रूरी है। कई बार ये भी होता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब हम एक पुनरीक्षक होने के नाते किसी पाठ का अध्ययन कर रहे होते हैं, अनुदित पाठ को जब हम पढ़ रहे होते हैं, तब कई बार अति उत्साही होकर या कहा जाए कि अपने ज्ञान पर अधिक विश्वास होने के कारण, या हमें लगने लगता है कि उनका जो प्रयोग किया हुआ शब्द है वो बहुत अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा खूबसूरत शब्द डालने की कोशिश करें, कभी उसे जटिल बना दें या उसे अतिरिक्त सरल बना दें। तो इसमें एक अनुवाद पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है कि वो उसमें एक गंभीर विवेक हो, यानी उसमें एक ठहराव हो, एक समझदारी हो, और ये रहे कि उसे उसके सामने जो पाठ है उसका अंतिम उद्देश्य उस पाठ को कंप्लीटली अपना एक पूर्णत्व प्रदान करना, और उसमें हर तरीके से जितनी भी उसमें त्रुटियां थी उनका निवारण करके उसे अंतिम प्रारूप देना। तो इसीलिए यहाँ कहा भी गया है कि पुनरीक्षक अधिक अनुभवी एवं वरिष्ठ होते हैं। वो एक दूसरे अनुवादक हो सकते हैं, वे केवल पुनरीक्षक भी हो सकते हैं, एक बिल्कुल तटस्थ दृष्टि के धनी, या कहा जाए कि बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से जिनमें देखने की क्षमता हो और गंभीर विवेकशाली हो, और उसके साथ उनमें निर्णय क्षमता हो कि कहाँ सही शब्द उनकी दृष्टि से हो सकता है, और कहीं लगे कि नहीं ये शब्द नहीं, ये होना चाहिए, या कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो एक निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें हो कि जब उस शब्द का प्रयोग करने का निर्णय लें तो ये मालूम हो कि इस शब्द के प्रयोग से पाठ में सुधार ही होगा या वो बेहतरी की तरफ ही होगा, और वो निर्णय ले पाए। तो हम ये देखते हैं कि पुनरीक्षक का जो काम है वो बहुत एक तरह का बहुत एक्टिव रोल है ट्रांसलेशन में, क्योंकि उनका काम किए हुए काम को फिर से देखना है, और उसमें उनकी भूमिका इस तरीके से एक्टिव होती है। जब हम इसके प्रक्रिया के अनुवाद प्रक्रिया पुनरीक्षण प्रक्रिया के जब विविध चरणों की बात करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये चरण होते हैं और पुनरीक्षक को देखना होता है। लेकिन मूल्यांकक की तुलना में, मूल्यांकनकर्ता की तुलना में, यहाँ जो पुनरीक्षक से अपेक्षा है वो बहुत ही सक्रिय भूमिका, और कहा जाए कि बहुत ही उनका कंट्रीब्यूशन या उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वे केवल दृष्टा नहीं होते हैं, वे केवल देख नहीं रहे हैं पाठ को। जैसे हमने कहा कि पुनरीक्षण, वहाँ केवल देखने तक उनकी सीमा नहीं है, उनका काम, मूल जो काम है वह है संशोधन करना।
तो वहाँ उनकी भूमिका बहुत सक्रिय किस्म की भूमिका होती है, जहाँ वे पाठ में ज़रूरी परिवर्तन करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं, भाषा सौष्ठव की दृष्टि से, वाक्य विन्यास की दृष्टि से, संकल्पनात्मक दृष्टि से, या अन्य जो भी त्रुटियाँ हो सकती हैं, या कई बार जैसे लास्ट में कहा भी जा रहा है कि सुधार कर और सजा संवार कर अधिक सुगढ़ रूप से प्रस्तुत करना। तो ये सारी भूमिकाएँ एक तरह का फुल पैकेज की अपेक्षा एक पुनरीक्षक से की जाती है कि ना केवल वे भाषाई दृष्टि से संपन्न हो, अपितु उन्हें संकल्पना का भी ज्ञान हो, अवधारणा के बारे में भी उन्हें जानकारी हो, उसमें किए हुए पाठ को फिर से देखने की और उसका तटस्थ विश्लेषण करने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो और उसे बेहतर प्रारूप देने की भी क्षमता हो। अनुवाद मूल्यांकन पुनरीक्षण के बाद का जो अगला चरण माना जाता है, जब कोई पाठ प्रकाशन के लिए जाता है या कई बार प्रकाशन के बाद भी मूल्यांकन होता है, तो वो मूल्यांकन का काम, इवैल्यूएशन का काम, यानी जब उस पाठ को देखा जाता है कि क्या वह अनुवाद की दृष्टि से एक सफल अनुवाद है या नहीं, तो हम जो मूल्यांकन की जो भूमिका है एक तरह से कह सकते हैं कि पुनरीक्षण जैसा इनका काम है, क्योंकि उन्हें भी पुनः ईक्षण ही करना है, उन्हें उसे देखना ही है, लेकिन उनका देखना, देखने के बाद उसमें सुधार नहीं करना, यानी कि उन्हें एक किए हुए अनुवाद का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट करना है। अनुवादक पुनरीक्षक, पुनरीक्षण और अनुवाद मूल्यांकन दोनों ही अनुवाद कार्य संपन्न होने जाने के बाद की प्रक्रियाएं हैं, और इसका इनका मूलभूत कार्य अनुवाद की जांच करना है। जैसा मैंने कहा कि दोनों का काम पुनः ईक्षण करना है, पुनः देखना है, फिर से देखना है, पर पुनरीक्षक से अपेक्षा उसमें संशोधन की है, मूल्यांकनकर्ता से केवल जाँच करने की है। अनुवाद पुनरीक्षण के अंतर्गत अनुदित सामग्री की जांच के साथ साथ उसमें कथ्य भाषा शैली और लक्ष्य भाषा की संस्कृति की दृष्टि से जांच करते हुए अपेक्षित सुधार, संशोधन एवं फॉर्मेट संपादन का कार्य किया जाता है। वहीं अनुवाद मूल्यांकन द्वारा अनुवाद में व्याप्त दोषों का मूल खोजने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखिए कि ये दोनों से तटस्थ दृष्टि की अपेक्षा है, दोनों ही अनुवादक से अलग व्यक्तित्व हैं, दोनों का काम पाठ को देखना है, पाठ की त्रुटियों का को छांटना है, उन्हें रेखांकित करना है अलग अलग संदर्भों में, जैसा कहा कि कथ्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, लक्ष्य भाषा की संस्कृति की दृष्टि से। उसमें पुनरीक्षक का काम जहाँ उसमें सुधार और संशोधन और फॉर्मेट संपादन का है, मूल्यांकनकर्ता का काम केवल दोषों का मूल खोजना, यानी कि क्या क्या वे दोष हैं जो छूट गए हैं अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान, पुनरीक्षण के बाद भी, और उनका कारण क्या है, उनका कारण खोजना और एक तरह की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि इस अनुवाद की दृष्टि से कितना बेहतर पाठ है। अनुवाद मूल्यांकन अनुदित साहित्य को गुणात्मक दृष्टि से जांचने, परखने और इस जांच परख के लिए विशिष्ट प्रतिमान अथवा कुछ निश्चित मानदंडों की कसौटी पर कसना है, ताकि अनुदित रचना के विभिन्न दोषों के कारणों को उद्घाटित कर उसकी गुणवत्ता के विषय में निर्णय दिया जा सके। कहाँ होता है मूल्यांकनकर्ता का काम, ये देखने की ज़रूरत है। कई बार जैसा कहा जाए कि मूल्यांकन और समीक्षा को लगभग आप एक ही दृष्टि से देख सकते हैं। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है और समीक्षा की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी इस तरह भी भिन्न हो सकती है कि जब कोई काम या कोई पाठ, मान लीजिए किसी प्रकाशन संस्था ने कोई पाठ का अनुवाद करने का एक जिम्मेदारी किसी अनुवादिका या अनुवादक को सौंपी, अनुवाद होने के बाद वो जो प्रोडक्ट है या पाठ है वो वापस लौटकर प्रकाशन संस्था के पास पहुँचता है, प्रकाशन संस्था उस पाठ का पुनरीक्षण करवाते हैं। जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाएँ अनुवाद होने के बाद अपने पाठों का पुनरीक्षण करवाते हैं, अलग अलग सरकारी संस्थाओं में या जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ इस तरह का काम होता है, जहाँ प्रिंट मटेरियल छपता है, तो उस पाठ का हम अनुवाद इग्नू के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि किस तरीके से पहले पाठ लिखा जाता है, लिखने के बाद उसका अनुवाद होता है, अनुवाद होने के बाद उसका पुनरीक्षण करवाया जाता है, और पुनरीक्षण के बाद जो त्रुटियां अनुवाद की दृष्टि से छूटी हैं उनका सुधार किया जाता है, उनका संशोधन किया जाता है और उसका फॉर्मेट संपादन किया जाता है। अब ये मूल्यांकनकर्ता की जो भूमिका है वो पुनरीक्षण के बाद आती है, यानी जब कोई पाठ पुनरीक्षण होकर आ जाता है या उसे फिर से देख लिया जाता है और उसमें जो अनुवाद की दृष्टि से जो गलतियाँ छूट गई थी उनका निवारण कर लिया जाता है, तब उसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या अब ये पाठ प्रकाशन के लिए तैयार है या नहीं। तो उसे एकदम तटस्थ दृष्टि से, जिसमें पुनरीक्षक की भूमिका की ही तरह अनुवादक मूल्यांकनकर्ता की भूमिका होती है, पर वहाँ वे संशोधन नहीं करते हैं, वे केवल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वे जांच करते हैं और जांच करने के बाद
एक कहा जाए कि उसकी गुणवत्ता के विषय में अपनी एक राय देते हैं, तो वो राय ही अनुवाद का मूल्यांकन कहलाता है, जिसके माध्यम से उस पाठ की गुणवत्ता की भाषाई, संकल्पनात्मक, अनुवाद की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसकी संकल्पना, उसकी जांच होती है, और जांच करने के बाद फिर उसका उसके ये निर्णय लिया जाता है कि उसका अगला जो कदम होगा या उसके बाद अगला जो निर्णय होगा वो क्या होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं पुनरीक्षण और मूल्यांकनकर्ता का कुछ काम काफ़ी हद तक समान है, लेकिन एक खास बिंदु पर आकर दो अलग अलग भूमिकाएं हो जाती हैं, जहां पुनरीक्षणकर्ता उसमें सुधार करने की छूट रखते हैं, अधिकार रखते हैं, वही मूल्यांकनकर्ता को छूट या अधिकार ना होकर वे केवल उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं या उसकी गुणवत्ता की का कन्फर्म करते हैं या उसके बारे में उस पर बिंदु उठाते हैं कि क्या वे पाठ प्रकाशन के लिए उचित है या उसमें अनुवाद की दृष्टि से क्या चूक रह गई है, केवल उसे आइडेंटिफाई करना या उसे रेखांकित करना ही मूल्यांकनकर्ता का काम है। अनुदित सामग्री की जांच के पश्चात अनुवाद के स्वरूप और गुणवत्ता पर टिप्पणी की जाती है, जैसे मैंने कहा कि उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या कमेंट किया जाता है, कई बार पुनरीक्षण के फौरन बाद उस पर एक कमेंट हो सकता है, कभी पुनरीक्षण के बाद जब वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मूल्यांकनकर्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इस पाठ का वह मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने के बाद वो बताएं कि गुणवत्ता की दृष्टि से वह पाठ छपने के योग्य है या नहीं है, और यदि छप गया है तो छपने के बाद भी उसमें जो त्रुटियां रह गई हैं या जो गैप रह गए हैं या जो गलतियां छूट गई हैं वे किस स्तर की हैं और उसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो एक पूरी रिपोर्ट या टिप्पणी जिसे कहा जाता है वो प्रस्तुत करने का काम मूल्यांकनकर्ता का है, जो पुनरीक्षक से अलग है। अनुवाद पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का एक सोपान है, अंतिम सोपान, जैसे मैंने विभिन्न मॉडल्स अभी जिसके की मैंने चर्चा की, जैसे नायडा तो तीन ही महत्वपूर्ण चरणों की बात करते हैं, विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन, लेकिन बाथकेट ने जब चर्चा की तो उसके अंतर्गत वे चौथे चरण के रूप में पुनरीक्षण की भी बात करते हैं, तो एक तरह से अगर हम उन दोनों को ही ध्यान में रखें, नायडा, न्यूमार्क, बाथकेट और उसके बाद जो नेडर का जो हम की जिस हमने चर्चा की, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ अनुवादकों ने उसे उस प्रक्रिया का हिस्सा माना है तो किसी ने उसे उस प्रक्रिया से बाहर रख के देखा है, तो परंतु ये देखने वाली चीज़ है कि जो पुनरीक्षण का जो जो चरण है, जो एक जो अलग कदम है या जो एक अलग सोपान है, वो अनुवाद पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अनुवाद मूल्यांकनकर्ता का काम पूरी तरह से उससे बाहर है या उसको बिल्कुल बाहर रख के उस पर एक निष्पक्ष जांच होती है, जबकि अनुवाद मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात का विवेचन है, यानी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है, चाहे आप उसे तीन चरण माने या अनुवाद पुनरीक्षण को शामिल कर लें, तो इन सभी के बाद जो अंतिम रूप होता है वह है मूल्यांकनकर्ता का, जब इस पाठ को का मूल्यांकन करते हैं और उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट या कमेंट के माध्यम से उस पर उसकी क्वालिटी क्या को अप्रूव करते हैं या उस पर सवाल खड़े करते हैं। अब हमें देखना है कि पुनरीक्षण किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक पुनरीक्षक को किसी पाठ को पढ़ते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह वे उसका पुनरीक्षण करते हैं। पुनरीक्षण के विभिन्न चरण, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्पष्ट रूप से कहीं चरण इसके नहीं बताए गए हैं कि किस तरीके से कौन से चरणों के या कहा जाए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिसके माध्यम से पाठ का पुनरीक्षण किया जाता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें और इस पर चर्चा करें या इस पर चिंतन करें, तो हम महसूस करते हैं कि जिस प्रकार एक अनुवाद करते समय अनुवाद प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण चरण होते हैं, नायडा के प्रारूप के अनुसार भी यदि कहा जाए, जिसको एक तरह से मानक रूप मान लिया जाता है, उसी तरीके से पुनरीक्षण के भी तीन महत्वपूर्ण चरण हो सकते हैं, जिसमें पाठ अध्ययन, पाठ विश्लेषण और पुनर्गठन। तो पाठ अध्ययन, अब इसमें जो अंतरण वाला जो हिस्सा है, जो कहा जाए कि इसमें यहाँ हमने उस पर चर्चा नहीं की है, उसका कारण यह है कि अनुवाद जो पुनरीक्षक है वो पाठ का अंतरण बहुत नहीं करते हैं, मूल उनका होता है पाठ का अध्ययन करना, यानी इस पाठ को पढ़कर ये तय करना कि पाठ में कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं या कहाँ उसमें सुधार की ज़रूरत है, और दूसरा है विश्लेषण और तीसरा है पुनर्गठन। चौथा जो चरण जिसकी चर्चा नायडा ने नहीं की है लेकिन ज़रूरी है पुनरीक्षण के संदर्भ में उस पर बात करना, वह है फॉर्मेट संपादन, यानी उसकी फॉर्मेटिंग करना, जिसे हम अंतिम रूप कहते हैं या फाइनल प्रोडक्ट कह सकते हैं पुनरीक्षण के एंड से। तो किस तरीके से पाठ अध्ययन किया जाता है, पाठ विश्लेषण और पाठ का पुनर्गठन, हम पहले इस पर चर्चा करेंगे और फिर अंत में फॉर्मेट की बात करेंगे। पाठ अध्ययन, हम एक अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा करते हैं कि जब वे किसी पाठ का अध्ययन करें, अनुवाद करने से पहले का जो सबसे पहला चरण है
उसके तहत उससे अपेक्षा की जाती है कि वे उस पाठ का पढ़ते हुए उसका एक प्योर पाठक की तरह, एक शुद्ध पाठक की तरह पहले उसका पूरा आनंद ले, पूरा आस्वाद ले और उसे समझें कि रचनाकार ने मूल रूप से कहना क्या चाहा है। और जब हम साहित्य के संदर्भ में ऐसी बात करते हैं तो वो आनंद स्वाभाविक सा हो जाता है, क्योंकि हम उसमें उसे पढ़ते समय उस पर विस्तार से उसको उसका आत्मसात करते हुए उसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यही चरण जब पुनरीक्षक के समक्ष होता है या उसके सामने होता है, तब उससे अपेक्षा उस पाठ अध्ययन के दौरान भी विश्लेषण की ही होती है। क्योंकि जब वे किसी पाठ को पुनरीक्षण की दृष्टि से जब वे पढ़ रहे होते हैं, तब भी उनकी जो दृष्टि है, क्योंकि उन्हें उनसे एक तटस्थ अनुवादक की या तटस्थ रीडर की या तटस्थ पुनरीक्षक की उम्मीद की जाती है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उस पाठ को आद्योपांत न केवल पढ़ें बल्कि साथ साथ उसका विश्लेषण करते हैं। यानी दोनों चरणों में हमें जो पुनरीक्षक से जो अपेक्षा होती है उस पाठ का गहन अध्ययन करने की होती है, और गहन अध्ययन के दौरान भी उनकी दृष्टि एक तरह से समीक्षक की या कहा जाए कि पुनरीक्षक की ही रहती है, जिसे वे संशोधन की दृष्टि से देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसकी चर्चा या क्या क्या ज़रूरतें उसकी हो सकती हैं। पाठ विश्लेषण यानी उस पाठ का पिछले जो हमने सत्र में जब हमने चर्चा की, तो भाषाई और संकल्पनात्मक संशोधन का जो हमने चर्चा की, तो वो जो भाषाई और संकल्पनात्मक संशोधन किसी पुनरीक्षक को करने होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो किस दृष्टि से होते हैं, उसी का विश्लेषण अपने पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनरीक्षक को करना होता है। और वो दो महत्वपूर्ण चरण क्या हैं, भाषाई संशोधन और संकल्पनात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल इंटरवेंशन। तो ये दोनों जो जो सुधार या कहा जाए कि दोनों पर जो पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उनकी दृष्टि रहेगी, वो इस विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जब वे किसी पाठ को पढ़ते समय उस पर दोनों तरीके से नज़र रखते हैं, यानी भाषा की दृष्टि से, और भाषा के अलग अलग आयाम हैं, भाषा के अलग अलग दृष्टिकोण हैं जिस पर उनसे अपेक्षा की जाती है, व्याकरणगत भी है, वर्तनी की दृष्टि से भी है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी है, वाक्य सौष्ठव की दृष्टि से भी है, पाठ की निर्मित की दृष्टि से भी है, वर्तनी की दृष्टि से, टाइपो की दृष्टि से, बहुत सारे जो बिंदु हैं उन सबको उनको देखते हुए उस पाठ का अध्ययन करना होता है, और अध्ययन करने के बाद उसे उसी तरीके से रेखांकित करके अपने लिए एक एक बैकग्राउंड तैयार करना होता है कि किस पर उन्हें आगे बढ़कर जब उसको पाठ को जब रीफॉर्मेटिंग करेंगे तो उसे उस पर कौन कौन सी बिंदुओं पर उनको चर्चा करनी होगी और कौन कौन सी बिंदुओं पर उनका जिक्र होगा। उसी तरीके से संकल्पनात्मक विश्लेषण, हम इस पर अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे कि वो दोनों बिंदु क्या है। और फिर अब जब इन दोनों ही दृष्टियों से जब पुनरीक्षक किसी पाठ को देख लेते हैं और अपने काम को एक तरह से अंडरलाइन कर लेते हैं, और इस बात को वो एक तरह से जिसे कहते हैं कि चॉकआउट कर लेना कि किस तरीके से उन्हें अगला स्टेप लेना है या कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, जब इस पूरे फ्रेम को वो तैयार कर लेते हैं तब उस पाठ का पुनर्गठन करते हैं। यानी जहाँ जहाँ जिन जिन तरह की अशुद्धियाँ या जहाँ जहाँ जिस तरह के जो एरर्स थे, जो भी गैप थे या जिस भी तरह के परिवर्तन की ज़रूरत थी या संशोधन की ज़रूरत थी, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए, शामिल करते हुए वे उस पाठ का पुनर्गठन करते हैं, यानी उसे फिर से फ्रेम करते हैं। और जो अंतिम चरण है जिसका नायडा ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि अनुवाद पुनरीक्षण की का संदर्भ में इस पर विशेष बात नहीं है, मैंने प्रक्रिया के संदर्भ में इन तीन चरणों की बात की। जो अंतिम जो महत्वपूर्ण चरण है जिसे हम फॉर्मेट संपादन कहते हैं या फॉर्मेटिंग कहते हैं, वह है जब कोई पाठ इन तीनों स्तरों पर गुजरने के बाद अंतिम फॉर्मेट उसको दिया जाता है, यानी पब्लिकेशन के लिए या अपनी तरफ से एक फाइनल ओके जब दिया जाता है, तब अनुवादक पुनरीक्षक को उसकी फॉर्मेटिंग पर भी दृष्टि रखनी होती है। फॉर्मेटिंग किस स्तर पर हो सकती है, फॉर्मेटिंग यानी उसका जो ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट है पॉइंट्स, अगर डिफरेंट पॉइंट्स है तो उनका ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ठीक है या नहीं, उसका जो जो उसका फ्रेम है वो ठीक से बना है या नहीं बना है, उसके जो अलग अलग चरण है वो तरीके से फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, नंबरिंग को लेकर खास तौर पर अक्सर होता है कि जो हम क्रम डालते हैं, अंग्रेजी में हम ABC या रोमन्स का यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन जब हम उसी पाठ का जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, और इसी तरीके से अगर हम अन्य भाषाओं की भी बात करें, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ABC वहाँ अंग्रेजी में था, क्या हमने हिंदी में उसका अनुवाद लक्ष्य पाठ की दृष्टि से किया है या नहीं, तो वो उन क्रम का ध्यान रखना, उसी तरह गिनती का ध्यान रखना, गिनती में भी ऐसा ना हो कि हम ज़बरदस्ती उसमें ऐसे शब्दों का, ऐसे गिनती के चिन्हों का प्रयोग कर लें जो आसानी से समझ में ना आए, तो क्या अगर रोमन स्टाइल है तो क्या रोमन स्टाइल को ही फॉलो करना है या नहीं करना, तो विभिन्न दृष्टियों से पाठ की ज़रूरत के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग करना और फॉर्मेट करके उसे एक अंतिम प्रारूप देना पुनरीक्षक
की जो विभिन्न चरण है उसके अंतर्गत आता है। हम अब पाठ विश्लेषण के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर आगे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसी के आधार पर पुनर्गठन और फॉर्मेट संपादन किया जाता है। इस स्लाइड पर चर्चा हमने पिछले सत्र में भी की थी, ये लिंग्विस्टिक इंटरवेंशन यानी भाषाई संशोधन। मैंने कहा कि जब पाठ का विश्लेषण या पाठ का अध्ययन भी कोई पुनरीक्षण जब कर रहे होते हैं, पुनरीक्षककर्ता जब कर रहे होते हैं, तब वो भाषाई दृष्टि से किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और किन किन बिंदुओं पर उन्हें लगता है कि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है, या किसी एक अपनी तरफ से जो फाइनल ओके उनको देना है वो किन किन स्तरों पर देखा जाना होता है। हम पहले भाषाई दृष्टि से और उसके बाद फिर हम जो कॉन्सेप्चुअल जो उनका दृष्टि है उस पर भी बात करेंगे। भाषाई दृष्टि से यानी व्याकरण समझ, शब्द प्रयोगों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, वाक्य विन्यास को लेकर मैंने पहले भी कहा था और फिर से मैं इस पर जोर डालना चाहूँगी कि दो भाषाएं और ख़ास तौर पर जब दो विभिन्न संस्कृतियों की जब दो भाषाएं होती हैं तब उनका जो जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट होता है, उनका सेंटेंस फॉर्मेशन भी डिफरेंट होता है। तब ये देखना ज़रूरी है कि जब हम अपनी भाषा में किसी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं तो क्या सेंटेंस फॉर्मेशन लक्ष्य पाठ के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि अनुवादिका या अनुवादक जब अनुवाद कर रहे होते हैं तो कई बार इतने फ्लो में होते हैं या टेक्स्ट के साथ या इतना अनुवाद करते समय इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि या कई बार ये भी हो सकता है कि अनुवाद करते समय उन्हें इस तरह का आभास होता हो कि अनुवाद नहीं हो पा रहा है तो वो एक उसी फ्रेम में रखते हुए उसका अनुवाद कर देते हैं जो मूल का है। पुनरीक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसी कोई चूक वहाँ हुई है तो वे उसका लक्ष्य पाठ की भाषा के हिसाब से उसका समन्वय करें, उसका संयोजन करें, उसे उस तरीके से प्रस्तुत करें कि वो कम्युनिकेट हो, क्योंकि मेन जो फीचर है अनुवाद का भी वो संप्रेषण ही है। अगर संप्रेषित नहीं हुआ तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वाक्य विन्यास में वाक्य सौष्ठव, उपवाक्यों और वाक्यांशों का क्रम बिठाना, इसकी भी चर्चा हमने की थी। अवतरण संरचना और समग्र अध्याय और अध्यायों का उपयुक्त अनुक्रमण, इसी को हम फॉर्मेट संपादन के संदर्भ में समझ रहे थे कि अध्यायों का या जो जो ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट है डिफरेंट कॉलम्स का या अलग अलग चीज़ों का, क्या कहीं वो अनुवाद के दौरान डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है या कई बार टाइपिंग के दौरान, कंपोजिंग के दौरान कहीं वो उल्टा सीधा तो नहीं हो गया है। तो क्योंकि हम पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है कि वो एक फाइनल अपनी तरफ से एक टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे अंतिम रूप दे रहे हैं तो वो हर दृष्टि से उस पर नज़र रखेंगे। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, क्लिष्ट शब्द प्रयोग का परिहार और अन्य सहभाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग, फिर वही चीज़ है कि पुनरीक्षक को अननेसेसरी इंटरवेंशन भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि वो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी वो ज़बरदस्ती का छेड़छाड़ भाषा की दृष्टि से या संकल्पना की दृष्टि से या शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से करें, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से उन्हें अपने पाठ को देखना है और उसे अंतिम रूप देना है। भाषा सौष्ठव और सज्जा, ये भी फॉर्मेट संपादन के अंतर्गत आता है। विषय के साथ भाषा का अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाषा की डिमांड अगर ये है कि वो विषय के साथ अनुकूल हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनुवादक और पुनरीक्षक दोनों इस बात का ध्यान रखें। और क्योंकि हम यहाँ पुनरीक्षण की चर्चा कर रहे हैं तो पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे उसका ध्यान रखें और विषय के अनुसार ही शब्दों का, वर्तनी का और भाषा का चयन करें, सुनिश्चित करें कि कोई स्थल ना छूट गया हो, ये बहुत ज़रूरी है। और वो विश्लेषण के दौरान इसको इसका भी सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है, उसे अंडरलाइन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका पुनरअनुवाद भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनुवाद में कई बार कुछ छूट भी जाता है, कई बार एक पैराग्राफ मिस हो गया या कुछ लाइन्स बीच में छूट गई, तो उनका अनुवाद करना भी पुनरीक्षक का काम है, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति है या अंतिम कड़ी है इस पूरी प्रक्रिया के जो उसका उसे अंतिम प्रारूप दे रहे हैं। उसके बाद इसमें संशोधन करने का स्कोप नहीं बचता, जैसा कि हमने इवैल्यूएशन के पॉइंट से कहा कि वहाँ फिर संशोधन का स्कोप नहीं है। अंतिम है संकल्पनात्मक संशोधन, कॉन्सेप्चुअल इंटरवेंशन, यानी कोई जिस संकल्पना की या जिस अवधारणा की या जिस कॉन्सेप्ट को लेकर पाठ मूल पाठ है, कहीं वो अनुवाद के दौरान अनुवाद की जटिलता के कारण या अति उत्साही अनुवादक होने के कारण या किसी भी तरीके से उसमें से कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर ऐसा छूट जाता है तो कई बार ये होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं हो पाता, या कहीं ऐसा हो कि कुछ हिस्सा अनुवाद हो गया, कुछ छूट गया, तो जब तक वो पूरी कड़ी नहीं होगी या एक तरह से उसको अंत तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मूल संकल्पना के साथ पूरी तरह से जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ, मूल संकल्पना पूरी तरह से संप्रेषण उसका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा,
इस दृष्टि से भी अनुवादक से पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ को देखें और देख के ये तय करें कि कहीं किसी तरीके की, चाहे वो संकल्पनात्मक हो चाहे वे भाषाई हो, किसी भी तरीके की जो गलतियाँ हैं वे ना छूटें। तो ये सब जब विश्लेषण के दौरान जब पुनरीक्षक इन सब चीज़ों से गुजरते हैं और उसे अंडरलाइन करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, और नोट डाउन करने के बाद जब वो फाइनली जब किस उस पाठ को रीफ्रेम करते हैं, उसका पुनर्गठन करते हैं, तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनका वे उन्हें फिर से शामिल करते हुए एक कंप्लीट एक संपूर्ण पाठ का निर्माण करते हैं। और जब हम अंतिम जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेट संपादन, तो फॉर्मेट संपादन के अंदर जब इस पूरी पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद उसका जो पूरा ऑर्डर ऑफ थिंग्स है वो सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जो क्रम है, चाहे वो अध्यायों का हो, चाहे वो पंक्तियों का हो, चाहे कॉलम्स का हो, या किसी भी तरीके से नंबरिंग हो, उन सभी को पूरी तरीके से इस तरीके से एक फाइनल रूप देना, एक अंतिम प्रारूप देना कि उसमें अपनी तरफ से पुनरीक्षक की दृष्टि से कहीं कोई चूक ना छूटे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया की तरह ही पुनरीक्षण के भी कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं, जिस पर अगर हम विस्तार से बात करें या गहन तरीके से उस पर सोचें तो वो उसी तरीके से है जिस तरीके से एक अनुवादक को जितनी सावधानियों से गुजरते हुए पाठ का अनुवाद करना होता है, एक पुनरीक्षक से उससे भी ज़्यादा अपेक्षा होती है, क्योंकि उन्हें किए हुए काम को फिर से सुधारना होता है या उसे अपनी तरफ से एक ओके देना होता है, कहा जाए कि अंतिम रूप देना होता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही जो चरण हमने जिनकी चर्चा की अनुवाद प्रक्रिया के पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, और उसके साथ जो फॉर्मेट संपादन का जो अंतिम चरण है जिसके माध्यम से वो एक कंप्लीट आकार प्राप्त करता है, ये सभी चरण पुनरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो पुनरीक्षण की प्रक्रिया और पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों की हमने इस सत्र में जिक्र किया। अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि पुनरीक्षण से किस तरह की अपेक्षा की जाती है वे क्या क्या है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।